चलो चुप हो जाओ, अच्छे बच्चे हो ना आप तो। खुशी राठौर, ऋषभ, हाँ प्रज्वल, एंजल, दृष्टि, विराट, लक्षिता, अमित कुमार, आराध्या, आयुष। चलिए बच्चों स्टार्ट करें अपनी क्लास, क्लास स्टार्ट करें। चलो अच्छे बच्चों ना आप सभी। अच्छा बेटा मैंने कल क्या बोला था, मैं पढ़ाऊंगी आपको बुक। क्या पढ़ाऊंगी मैं आपको? बुक पढ़ाऊंगी। रीडर जो है आपकी, देखो इंग्लिश में टू बुक्स होती हैं। इंग्लिश में कितनी बुक होती है? टू बुक्स। सब बच्चे ध्यान दो, इंग्लिश में कितनी बुक्स हैं? टू बुक्स हैं। एक तो कौन सी है? ये रीडर, जिसमें पोएम्स हैं, स्टोरीज हैं, ठीक है। और दूसरी कौन सी है? ग्रामर, जो मैं आपको पढ़ा रही थी ना वो ग्रामर है, और ये आपकी रीडर बुक है। तो मैं ये वाली बुक पढ़ाने वाली हूँ, तो आप इसे निकाल लीजिए। जिन बच्चों के पास में है, वेरी गुड, प्रज्वल के पास में है, एंजल के पास में भी है, ऋषभ के पास में भी है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे प्यारे बच्चे हैं मेरे। विराट बुक नहीं है बेटा? जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो बच्चे बुक्स परचेज कर लें, है ना, वेरी गुड। चलिए आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का। तो जिन बच्चों के पास में बुक्स हैं वो बुक्स ओपन कर लीजिए, और जिनके पास में बुक नहीं है तो ज़्यादा मत घबराओ, क्योंकि आज मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगी कि जिसके पास में बुक नहीं है वो भी बच्चे समझ जाएंगे। लेकिन बेटा आगे जाकर के चैप्टर जो हैं थोड़े से लॉन्ग हैं, तो उनको बोर्ड पर लिखना इम्पॉसिबल रहेगा। फर्स्ट चैप्टर तो आपका पोएम है, इसलिए मैं इसे बोर्ड पर राइट भी कर दूंगी और आपको समझा भी दूंगी, ठीक है ना। चलिए तो रेडी हो जाएंगे सभी बच्चे। आप भी अपनी नोटबुक में सभी बच्चे डेट मेंशन करो, सभी बच्चे नोटबुक पेंसिल हाथ में लो। पहले मैं आपको नोट करवाऊंगी पोएम, पहले मैं आपको पोएम लिखवाऊंगी, साथ में समझाऊंगी, ठीक है। चलिए ये लो बच्चों, अब आज हम पढ़ते हैं चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट, और अपने चैप्टर का नेम है मिस्टर मंकी। क्या नेम है? मिस्टर मंकी। मंकी देखा है ना सभी बच्चों ने, तो आज हम मिस्टर मंकी पढ़ने वाले हैं। मिस्टर मंकी ये लीजिए, अब देखेंगे आज कि मिस्टर मंकी क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, है ना। कैसे, जैसे बच्चे शरारती होते हैं ना, वो भी मंकी की तरह हरकत करते हैं ना। हाँ मम्मियाँ बोलती हैं सारे दिन बंदर की तरह उछल कूद करते हैं, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे मिस्टर मंकी। तो बच्चों पहले तो मैं पोयम बोर्ड पर राइट करूंगी और साथ में समझाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास बुक्स नहीं है ना, तो आप जल्दी जल्दी बुक्स खरीदेंगे सभी बच्चे, है ना। चलिए तो देखो मिस्टर मंकी, अब पोयम राइट करनी है। मिस्टर मंकी, बहुत सुंदर राइटिंग में, मिस्टर मंकी sitting on the trees. मंकी कहाँ बैठते हैं? ट्रीज में। मिस्टर मंकी सिट में बैठना, ऑन द ट्रीज पेड़ पर,
मिस्टर मंकी कहाँ बैठा है? पेड़ पर बैठा है। अब पेड़ पर बैठकर क्या कर रहा है? ईटिंग फ्रूट्स। फ्रूट्स खा रहा है, पेड़ पर बैठ करके फ्रूट्स खा रहा है। और क्या कर रहा है? एंड प्लेइंग विथ बीज। प्लेइंग विथ बीज। फ्रूट्स खा रहा है और प्ले कर रहा है किसके साथ में? बीज में मधुमक्खियां, पेड़ पर मधुमक्खियां भी हैं। फ्रूट खा रहा है और मधुमक्खियों के साथ में खेल रहा है। ठीक है, हाँ यही बता रही हूं एंजल, यही है। मिस्टर मंकी सिटिंग ऑन द ट्रीज ईटिंग फ्रूट्स एंड प्लेइंग विथ बीज। जैसे मैं लिख रही हूं ना, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ये जो लाइन है ना, यहां पर मैंने छोड़ दिया, तो पूरी लाइन में नहीं लिखना है, आपको भी उस लाइन को आगे छोड़ देना है, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, फिर यहां इसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना है। ठीक है, हाँ जी। ही इज ऑलवेज हैप्पी। ही इज ऑलवेज हैप्पी। ये तो हमेशा बहुत खुश रहता है। नॉट बॉदर्ड अबाउट टुमारो। नॉट बॉदर अबाउट टुमारो, कल की चिंता नहीं करता। एंड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय सोरो। ये कभी भी दुखी भी नहीं होता है। मिस्टर मंकी मिस्टर मंकी सिटिंग ऑन द ट्रीज ईटिंग फ्रूट्स एंड प्लेइंग विथ बीज। ही इज ऑलवेज हैप्पी। ही नॉट बॉदर्ड अबाउट टुमारो एंड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय सोरो। मिस्टर मंकी। एक स्टेंजा और है जिसको मैं यहां पे लिख रही हूं। ऑलवेज लुक्स एट द ब्राइट साइड। Nothing can bring him fright. Oh, I wish
आई कुड बी हैप्पी लाइक हिम एंड लाइक हिम एनी टाइम गो टू प्ले स्लीप और स्विम। ये लो बच्चों, ये है आपकी पोयम। अब सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे इस पोयम को, रिसाइट करना है पोयम को। हाँ जी, सभी बच्चों के वीडियो ऑन हो जाने चाहिए। वीडियो ऑन करेंगे सभी बच्चे? शाबाश, वीडियो ऑन कर लो। आयुष, अमित, आराध्या, खुशी, वीडियोस ऑन करिए अपने। मुझे सभी बच्चों के फेस जो है एक्सप्रेशन दिखाई देने चाहिए कि आप सभी मेरे साथ बोल रहे हैं। आयुष, अमित, आराध्या, बेटा वीडियोस ऑन कर लीजिए। शाबाश। चलिए अब सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है? रेडी है? दृष्टि बाद में नोट करना। सब बच्चे मेरे साथ पोएम बोलेंगे, ठीक है? बोलिए मिस्टर मंकी। बोलो मिस्टर मंकी सिटिंग। बोलो सिटिंग ऑन द ट्रीज। Sitting on the trees, eating fruits and playing with bees Nothing can bring him fright. Fright. Rishabh. यहां पर एल को नहीं बोलना है, सी ओ यू एल डी कुल्ड नहीं।
like him any time, go to play, sleep or swim. अब मैं समझाती हूँ आपको कि पोयम में क्या कहा गया है. मिस्टर मंकी जो है सिटिंग ऑन द ट्रीज, कहाँ बैठा है? पेड़ पर बैठकर. कहाँ पे बैठकर? पेड़ पर बैठकर ईटिंग, ईट मीन खाना. क्या खा रहा है? फ्रूट्स. क्या खा रहा है? फ्रूट्स खा रहा है. एंड प्लेइंग, और खेल भी रहा है. किसके साथ खेल रहा है? बीज के साथ. बीज मीन मधुमक्खियां. किसके साथ खेल रहा है? मधुमक्खियों के साथ में खेल रहा है. ही इज ऑलवेज. ऑलवेज मीन हमेशा. हैप्पी, वो तो हमेशा खुश रहता है. मंकी जो होता है वो हमेशा खुश रहता है. नॉट बॉदर. बॉदर मीन क्या होता है? परेशान, दुखी होना, परेशान होना. अबाउट टुमोरो. टुमोरो मीन आने वाला कल. आने वाले कल को सोच करके परेशान नहीं होता है. आप बच्चे लोग परेशान हो जाते हो ना कि कल मैम सुनेंगी, टेस्ट लेंगी, मुझे तो लर्न ही नहीं हुआ, कहीं मेरे कम नंबर आए तो. लेकिन जो मिस्टर मंकी है वो तो कभी भी परेशान नहीं होता कल के बारे में सोचकर. एंड रिमेन्स अनअफेक्टेड. अनअफेक्टेड होता है अप्रभावित, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है. बाय सोरो, दुख का भी, परेशानी से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मिस्टर मंकी, ऐसा है हमारा मिस्टर मंकी. ऑलवेज लुक्स एट द ब्राइट साइड, हमेशा अच्छा सोचता है और अच्छे जो है अच्छे की तरफ ही चलता है. नथिंग कैन ब्रिंग हिम फ्राइट. फ्राइट होता है डर जाना. वो किसी से भी डरता नहीं है. जो मिस्टर मंकी है वो ना तो परेशान होता है और ना ही फ्राइट में उसे डर लगता है. ओ आई विश आई कुड बी हैप्पी लाइक हिम. ओ भगवान जी, काश मैं भी मंकी की तरह ऐसे ही खुश रह पाता. मुझे कोई परेशानी भी नहीं होती, कल की चिंता भी नहीं होती, है ना. मैं उसकी तरह से ही मैं भी खुश रह पाता. एंड लाइक हिम, और उसकी तरह ही एनी टाइम, किसी भी टाइम गो टू प्ले, किसी भी टाइम खेल लेता. स्लीप, कभी भी सो जाता. एंड और स्विम, और कभी भी पानी में तैरता, है ना. कि हे भगवान, काश मैं भी मंकी के जैसा होता, कभी भी खाता, कभी भी खेलता, कभी भी सोता और कभी भी पानी में तैरता. तो भगवान, आपको भी मंकी बनना है क्या? मंकी बनना है? कौन कौन बच्चे मंकी जैसा बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं. देखो प्रज्वल तो बन भी गया है अभी, है ना. प्रज्वल ऐसे करते हैं ना मंकी. हाँ, दृष्टि बनना चाहती है, मंकी बनना चाहती है. ठीक है, तो देखो बताया है कि मंकी जो है वो फियर फ्री एनिमल है. उसको डर नहीं लगता है. निडर होकर के वो खेलता है, खाता है, खुश रहता है. जैसे बच्चे होते हैं उन्हें भी किसी भी बात का डर नहीं होता है. खेलते हैं, खाते हैं, खुश रहते हैं. और अब तो भगवान की दया से जब मर्जी आती है तब सो भी जाते हैं सारे, है ना. क्योंकि सारे दिन तो घर पे ही रहना होता है. तो जब मर्जी आए खाओ, जब मर्जी आए तब सो. तो अब सभी बच्चे क्या बन गए हैं? बंदर बन गए हैं. किसी को भी कोई डर नहीं है. बन गए ना सारे के सारे बंदर. चलिए, सो आप सभी बच्चों ने पोयम राइट कर ली है. पोयम राइट हो गई है. हैव यू रिटन पोयम बेटा? जिनके पास बुक्स नहीं है, पोयम राइट हो गई है. ये इधर वाला राइट हो गया है दृष्टि, ये राइट कर लिया इधर वाला, ये राइट हो गया. चलो, तो मैं इस साइड में लिख रही हूं वर्ड्स और उनके मीन. बेटा यहां पर कुछ वर्ड्स ऐसे आए हैं जिनके आपको मीनिंग जानने पड़ेंगे तो ही आप उनको
पोयम को जो है समझ पाओगे। ठीक है, कुछ टिपिकल वर्ड हैं जिनके मैं मीनिंग यहां पर लिख देती हूं। ठीक है, देख जैसे यहां लिखना वर्ड और यहां लिखेंगे मीनिंग। अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो, है ना, तो अभी आपको इंग्लिश टू हिंदी मीन बता रही हूं। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी मीन बता रही हूं ताकि आपको पोयम अच्छे से समझ में आए। ठीक है, फर्स्ट लिखेंगे बीज, बी डबल ई एस, बीज मतलब होता है मधु मक्खियां, मधु मक्खियां। सेकंड ऑलवेज, ऑलवेज मीन हमेशा। बी ओ टी एच ई आर ई डी, यब ई आर लिख लो, बोदर, परेशान, कष्ट, परेशानी लिख लो, है ना, परेशान या कष्ट। फिर लिखेंगे टुमारो, टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, आने वाला कल। फाइव नंबर लिखेंगे रिमेन्स, रिमेन्स मीन रहता है। अन अफेक्टेड, अन अफेक्टेड होता है अप्रभावित। मतलब कोई असर नहीं होता। सेवन नंबर सोरो, एस ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, सोरो, सोरो मतलब होता है दुख। ये नोट हो गया है, कहां गई वो बच्चे, दृष्टि हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ है। चलो इसको फटाफट नोट करो। जिनके पास बुक्स नहीं है वो बच्चे पहले पोयम पूरी नोट करनी है, उसके बाद में वर्ड मीनिंग राइट करने हैं। बोल बोल करके लिखिए, बी डबल ई एस, बीज, बीज मीन मधुमक्खियां। ए एल डब्ल्यू ए वाई एस, ऑलवेज, ऑलवेज मीन हमेशा। बी ओ टी एच ई आर, बॉदर, बॉदर मीन होता है परेशान, कष्ट। नेक्स्ट है टुमारो, टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, टुमारो, टुमारो मीन आने
नेक्स्ट है आर ई एम ए आई एन एस रिमेन्स, रिमेन्स मीन रहता है। ये ऋषभ, ऋषभ भारती, बेटा आप लोग नोट क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ है आपकी नोटबुक पेंसिल? नेक्स्ट है अनअफेक्टेड, यू एन ए डबल एफ ई सी टी ई डी, अनअफेक्टेड मीन अप्रभावित, यानी कि कोई असर ना होना। एस ओ डबल आर ओ डब्ल्यू सोरो, सोरो मीन दुख। ऋषभ इसको सही तरीके से रखो नोटबुक को और बैठ करके नोट करो सामने से। लिखो, मुझे दिखाई दे रहे हो आप ऋषभ? वेरी गुड ऋषभ, अभी कॉल लगाऊंगी मैं तुम्हारी मम्मा के पास में और वो चेक करेंगी कि आपने क्या वर्क किया है और मेरी तरफ से दो चांटे मम्मा लगाएंगी आपको। ये मैम को बेवकूफ बना रहा है, पेंसिल को चला नहीं रहा है, ऐसे ऊपर उठा उठा के चला रहा है। पढ़ाई नहीं करनी है तो मत आया करो। हाँ बेटा नोट हो गया है, नोट हो गया बच्चों? प्रज्वल नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। अच्छे अच्छी राइटिंग में सुंदर सुंदर लिखो, बोल बोल करके लिखो। प्रियांशी ने कर लिया है, वेरी गुड बेटा। एंजल का भी हो गया है, शाबाश। दृष्टि, ये पोयम हो गई है बेटा, यहां से दृष्टि पोयम हो गई। हाँ बेटा, इससे आगे और नोट करेंगे आप। ब्रिंग 8 नंबर, ब्रिंग, ब्रिंग मीन लाना। 9 नंबर फ्राइट, एफ आर आई जी एच टी, फ्राइट मीन होता है डर। विश मीन इच्छा। And
टाइम, किसी भी समय, प्ले मीन खेलना, स्लीप मीन सोना, एंड स्विम, स्विम मीन तैरना। ये लीजिए बच्चों, ये आपके वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो गए हैं इस चैप्टर के। साथ में ही मैंने आपको चैप्टर राइट भी करा दिया है पोएम, और रीड भी करवा दी है, समझा भी दी है। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से समझा दूंगी। आज आपको होमवर्क में क्या करना है, पोएम को कर्सिव राइटिंग का यूज करते हुए सुंदर सुंदर राइटिंग में जमा जमा करके आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट कर लेना है। सबसे पहले चाहे आपके पास बुक है या बुक नहीं है, दोनों ही तरह के बच्चे आपको क्या कर, चाहे आपके पास बुक है या चाहे आपके पास में बुक नहीं है, सभी बच्चों को पोयम राइट करनी है फेयर नोटबुक में। ठीक है बच्चों, और साथ में क्या करना है, वर्ड मीनिंग भी राइट करने हैं और लर्न करना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आज आपको होमवर्क में क्या करना है। होमवर्क में चाहे आपके पास बुक है या नहीं है, दोनों ही बच्चों को, बुक है जो बुक से राइट करेंगे और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनको मैंने बोर्ड पर पोएम राइट करवाई है, कर्सिव राइटिंग का यूज करते हुए आपको फेयर नोटबुक में पोएम राइट करनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से उसे रीड करना है, आपको पोएम अच्छी तरह से रिसाइट करनी आनी चाहिए, वर्ड मीनिंग राइट करने हैं और उन्हें लर्न करना है। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चे ये वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिए, आप सभी बच्चे ये वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिए। ठीक है, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।